एक तरफ सरकार जहां गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही, वहीं केंद्र सरकार ने गांवों को शहर के तर्ज पर विकसित करने के लिए रूबन मिशन योजना की शुरुआत भी की है, जिसके चलते रूबन मिशन योजना में चयनित गांवों में विकास कार्य जोरों पर है। धमतरी जिले के लोहरिस कलेक्ट्रेट में 12 गांवों को रूबन मिशन के तहत जोड़ा गया, लेकिन यहां विकास कार्यों के नाम पर जमकर अनियमितताएं बरती जा रही, जिसकी एक वानगी जिले के लोहरसी गांव में देखने को मिल रही। यहां लाखों रुपए की लागत से बनाए गए सीसी रोड में अभी से दरारें आना शुरू हो गई, जबकि इसे बने हुए महज 2 महीने ही हुए हैं। दरअसल जिले के लोहरिस गांव पंचायत रूबन मिशन योजना में जुड़ा हुआ है, जहां विकास को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे, लेकिन यहां विकास कार्यों में जमकर कोताही बरती जा रही। काम में 14 लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण 2 माह पहले हुआ था और महज 2 माह में इस सड़क ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। सड़क में अनेक जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई। उधर गुणवत्ताहीन निर्माण से ग्रामीण काफी आक्रोश में हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने गांव में मीटिंग भी बुलाया था, जहां पंचायत ने गलती को स्वीकार कर माफी भी मांगी। जब ग्रामीण दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे और धमतरी विधायक गुरुमिक सिंह दौरा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लेखराज साहू, आनंद पवार और ग्रामीणों के साथ सड़क का मुआयना कर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, वहीं सरपंच ने सड़क में दरार का कारण नीचे के मिट्टी को बजा बताया है। बहरहाल जिला प्रशासन मामले की जाँच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। सीसी रोड बनाया जरूर है, लेकिन अभी आक्रमण नहीं हुआ है, उसके बावजूद में बहुत सारा दरार है, तो इसमें मटेरियल बनाया जब है तो ठेकेदारी से बनवाया है या किसी भी तरीके से बनवाया है, तो कम से कम देख परेख करना था, मजबूती से बनवाना था। जब सरकार ने इतना पैसा दिए हैं तो उसका मजबूती से बनवाना था। अभी कैसा है सड़क? अभी बीच बीच में एक दो चार जगह दरार आ गया है, जबकि आवागमन अभी नहीं हुआ है। अभी दरार चालू हो गया है न, इसमें बनने के बाद भी एक आध दो बार पानी डलवाए होंगे, लेकिन पानी जैसा चाहे वैसा नहीं डलवाया है। और क्या क्या कमी है इसमें? इसमें 3 दिन में कम से कम रूम डलवाना था। अभी जैसे कोई पैदल चले गया, कहीं अंधेला में कोई तो गिर जाएगा, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, मुरूम भी नहीं डलवाया है। इधर का जैसे कि रोड है, इसमें पुलिया भी नहीं बनवाया है, आवागमन नहीं हो पा रहा है। कोई मोटरसाइकिल में जाएगा, खैर चार पहिया तेज जैसा दी जाएगा कम से कम मोटरसाइकिल में आने जाने के लिए, तो इसमें पुलिया का भी नहीं बनवाया है। इसके बारे में आप लोग शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत हुआ है और यहाँ गांव में भी बैठक हुआ था। अच्छा, गांव बैठक हुआ है? हाँ, दो दिन पहले। तो उसमें सरपंच क्या बोले? उसमें मेरा से गलती हो यहाँ पे अपन परिचय बताएंगे। मेरा कैलाश का नाम है, मैं निवासी लोहरसी का हूँ। अपने जो नया काम अभी चालू हुआ है, ये हिसाब से अपने 2 महीना से काम जारी किया है, और 2 महीना में मतलब अपना मतलब वो आवागमन नहीं हुआ है। उसके बाद में रोड का जो फटीकरण हो रहा है ना, जो दरार आ रहा है, ना आवागमन हुआ है ना कुछ नहीं हुआ है। 2 महीना हुआ है, 2 महीने में दरार आना चालू हो गया, दो महीने में दरार आना चालू हो गया है। इसके बाद लागत कही है? इतने लागत है, वहाँ पे लिखाया जरूर है, सूचना पोर्टल में टांगे नहीं, नाम टांगा होगा, वहाँ पे जाएंगे तो फिर दिखाएंगे हम लोग आपको इतना इतना में है। और आवागमन नहीं है, आप देखिए कि यहाँ के पुल जो अभी तक चालू नहीं हुआ है ना आवागमन, अगर आवागमन होगा ना तो वो स्थिति में पुल का जो अपन जो SCC रोड का सड़क है उसका क्या हालत होगा? अगर क्या चाहते हैं इसमें? हम क्या चाहते हैं जी, अच्छा से वो होना चाहिए, काम होना चाहिए और अच्छा से बनना चाहिए। यहाँ तो भ्रष्टाचार काम हो रहा है, सरपंच के द्वारा गुणवत्ता ही निर्माण किया जा रहा है। हाँ, सरपंच के द्वारा ही वो सब चीज हो रहा है। और यहाँ पे देखो ना कि एक ठक कोई काम ये नहीं हुआ, अभी तक कोई आवागमन नहीं हुआ, पैदल रेंग रहा है उसमें मतलब दरार आना चालू हो गया है। ऐसी थोड़ी होगा भाई, निर्माण एजेंसी सरपंच है। किसके माध्यम से करा रहा है काम? सरपंच कोई ठेकेदार? कौन है ठेकेदार? यहाँ ठेकेदार तो है, ठेकेदार के द्वारा ही ढलाया गया है, और
ठेकेदार है तो पता नहीं कौन ठेकेदार के पास दिया है, वो वही जानेगा, वो सरपंच जानेगा। तो आप लोग इस पर शिकायत किए कि नहीं? और शिकायत करते थे तो एक दूसरे में मुंह बोली के करके अपने बंद कर दिया है ये बात को। आज ग्राम पंचायत लोहर सिंह में रूबन मिशन के तहत यहाँ करोड़ों रुपये स्वीकृत हुआ है, जिसमें तालाब का सौंदर्यीकरण करना है, तालाब के साइड में किनारे तालाब किनारे पिचिंग करना है, जिसका निरीक्षण में हम लोग हमारे विधायक महोदय गुरुमुख सिंह होरा जी और अनंत कुमार हम सब विक्रांत जी आए हैं। देखने को मिल रहा है गुणवत्ता विहीन है, इसमें जो नीचे बेलन चलना चाहिए, रोलर चलना चाहिए वो नहीं चला है, बेस डलना चाहिए वो नहीं डला है, और ऐसी आनंद फानन में ढलाई कर दिया है। इसलिए ये सीसी रोड सीमेंट रोड टूट रहा है, और जो पिचिंग किया है वो तो करेक आ गया है, दीवार करेक आ गया है, पानी गिरने के बाद कुछ दिन में गिर जाएगा। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिनकी शिकायत गांव वालों ने पूरा, हमारे सांसद महोदय आए थे चंदूलाल के पास किए, हमारे कलेक्टर महोदय आए थे उनके पास किए, लेकिन उसका कोई जांच नहीं हो रहा है। इसी की निरीक्षण करने आज गांव वाले हमें बुलाए हैं, हम लोग देख लिए हैं, अब कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे और इसमें अतिशीघ्र कार्यवाही करने की मांग करेंगे, नहीं करेगा तो पूरा आंदोलन करेंगे और कार्यवाही उनको करना पड़ेगा। 11 लाख 80 हजार के जो ठीक ठीक है सब जगह ले 15 दिन ले घूमा था ना, बताया हूँ बोला आज लोहर सिंह में रूबन के माध्यम से, जो कि आज पूरे शहर के बराबर शहरों गांव को भी करने का लक्ष्य रखा गया है, 14 जगह रूबन के माध्यम से सैंक्शन करोड़ों रुपए हो रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि रूबन में जितने भी काम हो रहे हैं सिर्फ लीवा पोती और उसमें पैसा निकाला जा रहा है, और पंचायतों के माध्यम से जो काम हो रहा है या आरएस के माध्यम से जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसकी सबकी जांच होनी चाहिए और सभी जगह इस तरीके से जो काम हो रहा है और सिर्फ नाम मात्र का काम हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा है और करोड़ों रुपए का इसमें घपला है। इसके लिए जांच आज लोअर सिंह में 3 जगह ये सौंदर्यीकरण के लिए, तालाब सौंदर्यीकरण के लिए राशि आई है वो करीबन 25-1 लाख रुपए करीब है, 25 लाख से कुछ ऊपर। इसमें देखा जा रहा है कि सिर्फ सीमेंट का जो काम होना चाहिए सीमेंटीकरण का, वो सिर्फ नाम मात्र का सीमेंट डाला गया है और सही काम नहीं हुआ है, और अभी 2 महीना नहीं हुआ है, पूरा रोड फट गया है। तो इस तरीके से जो कंप्लेंट है उसकी जांच के लिए अभी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी लेखराम साहू जी, आनंद पवार जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, और हमारे विक्रांत शर्मा जी जो हमारे नगर निगम के प्रतिनिधि हैं, हम सब जो कांग्रेस जन हैं आए हैं इसको चेक करने के लिए। और निश्चित ही इसमें बहुत सारा घपला है, और गांव वालों का कहना है कि कलेक्टर को भी बताया गया और सांसद को भी बताया गया और उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इसको जांच करने के लिए और इसकी कार्रवाई कराने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही मैं समझता हूं कि इस पे कार्रवाई कराएंगे, और जो समस्या है और जो आज एक पद्धति हो गई है कि पंचायत को काम मिलता है और ठेकेदार उसके काम करते हैं, पंचायत जो है काम नहीं कर पाते और उसके कारण ठेकेदारी प्रथा जो है पंचायतों के माध्यम से नहीं है, फिर भी ठेकेदारों को काम दिया जाता है, इसकी भी जांच करना आवश्यक है।